कांग्रेस में बिखराव की स्थिति तो पिछले साल लोकसभा चुनाव के बाद से देखने को मिल रही थी, लेकिन जब सोनिया गांधी ने एक बार फिर पार्टी की कमान संभाली तो पार्टी एकजुट नजर आई। मगर मध्य प्रदेश में जो हुआ उसने एक बार फिर पार्टी की परेशानी बढ़ा दी है और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के पाला बदलने के बाद से तो पार्टी में बिखराव थम ही नहीं रहा है। जी हाँ, सिंधिया के एक और समर्थक ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। कांग्रेस जहां इस वक्त देश पर आई मुसीबत से पार पाने के लिए सभी को एकजुट होने की बात कर रही है ताकि देश मजबूती से इस मुश्किल घड़ी का सामना कर सके, तो वहीं पार्टी के नेता अपनी ही पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। जी हाँ, कई नेता एक के बाद एक कांग्रेस को अलविदा कह रहे हैं, खासकर मध्य प्रदेश में। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद उनके समर्थकों के त्याग पत्र देने का दौर नहीं थम रहा। पहले 22 विधायकों ने कांग्रेस का साथ छोड़ा, तो वहीं अब धार से लोकसभा चुनाव लड़ने वाले दिनेश ग्रेवाल ने सभी पदों से त्याग पत्र देकर पार्टी छोड़ दी है। इनके साथ ही ब्लॉक अध्यक्ष ने भी अलविदा कह दिया है। ग्रेवाल सिंधिया समर्थक होने के साथ बदनावर से पूर्व विधायक राज्यवर्धन सिंह से भी जुड़े हैं। कांग्रेसियों का कहना है कि सिंधिया समर्थकों के अभी आगे और त्याग पत्र होंगे। आपको बता दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पाला बदलने के बाद सूबे में बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला। 15 महीने पुरानी कमलनाथ सरकार गिर गई, तो वहीं कमलनाथ के विदाई के बाद बीजेपी ने एक बार फिर सत्ता हासिल कर ली और मुख्यमंत्री की कुर्सी चौथी बार शिवराज सिंह चौहान को सौंपी गई, जिसके बाद से शिवराज सिंह चौहान काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस और कमजोर होती जा रही है। ऐसे में अब कांग्रेस में मची इस उथल-पुथल को पार्टी आला कमान कैसे थामती है, ये देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।